नथिया गली में लाखों डॉलर मालियत के लग्जरी होटल की तामीर का ठेका इमरान खान के साथी और पीटीआई के देरीना रुकन को मिल गया। इमरान खान ने उनकी कंपनी से चंदा लिया जिसका कारोबार अमरीकी फोर्सेस को इराक और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी गार्ड्स फराहम करना था। इमरान खान अमरीकी जंग के हमेशा से मुखालिफ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जाँच पड़ताल कमेटी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पार्टी डोनर मुमताज़ अहमद मुस्लिम ने पीटीआई को 24,000 से ज़ायद डॉलर जतिया किए थे। मुमताज़ मुस्लिम बैरन होटल्स के सदर और मालिक हैं। उन्होंने 15 अप्रैल 2018 को इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात भी की थी। पंजोरा पेपर्स में शामिल 14 ऑफशोर कंपनीज की 1,20,00,000 खुफिया फाइल्स में से एक फाइल में मुमताज़ अहमद मुस्लिम का नाम भी शामिल था। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी कहते हैं कि मुमताज़ मुस्लिम ने होटल का कॉन्ट्रैक्ट ओपन बिडिंग से हासिल किया। उन्हें मुमताज़ मुस्लिम की सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक कोई मालूमात नहीं। कराची में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 9.23% तक पहुंच गई। जिन्ना अस्पताल के सरबरा प्रोफेसर शाहिद रसूल का कहना है कि शहर में वैक्सीनेशन की कमी ओमिक्रॉन को बढ़ा रही है। मुस्बत केसेस में बेशतर में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो रही है। ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा वेरियंट भी फैल रहा है। मुस्बत केसेस की शरह मजीद बढ़ी तो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह 4% और मुल्क भर में एक दिन में शरह 1.8% से बढ़कर 2.32% हो गई। 15 अक्टूबर को मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड की गई थी। कोरोना के मजीद 1,085 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। कराची के चंद निजी इदारों में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पैसे लेने का इंकशाफ। शहरियों की शिकायत है कि निजी लेबॉर्ट्री कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हज़ारों रुपए ले रही है। खैबान शहबाज DHA में लेबॉर्ट्री में कोरोना वैक्सीनेशन के पैसे वसूल किए गए। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि शहरियों की आसानी और वैक्सीनेशन की शरह में इजाफे के लिए कोरोना वैक्सीन निजी इदारों को भी दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर या घर पर कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई फीस नहीं। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पैसे लेना जुर्म है। पंजाब में घर घर जाकर वैक्सीन लगाने की मुहिम जारी। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इंसदाद कोरोना वैक्सीन के बूस्टर लगाने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के एफ9 पार्क में कायम मास वैक्सीनेशन सेंटर बंद। शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए पेम्स, तरलाई और दूसरे वैक्सीनेशन मराकज का रुख करने की हिदायत। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के नतायज से दो चीज़ें सामने आती हैं। PTI का शफाफियत और बदउनवानी का नारा एक धोखा था। जांच पड़ताल से बचने और मालूमात रोकने के लिए PTI ने धोखा दिया। एहसन इकबाल का वजीर आजम से मुस्ताफी और फॉरन फंडिंग केस की आज़ादाना तहकीकत का मुतालबा। कहा, इमरान न्याजी का मेकअप वाला चेहरा उतरा तो फंडिंग लेने वाला चेहरा सामने आ गया। वक्त आ गया है कि कौम के साथ फ्रॉड करने वाले का एहतसाब किया जाए। चेयरमैन नैब PAC समेत किसी भी कायमा कमेटी में बतौर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पेश नहीं होंगे। वजीर आजम ने चेयरमैन नैब की जगह DG नैब को ब्रीफिंग देने की मंजूरी दे दी। नैब ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को खत लिख दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की अदम शिरकत। चेयरमैन PAC राना तनवीर ने इजलास मौखर कर दिया। कहा, इजलास चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर इन कैमरा बुलाया गया था। अगर हुकूमत चेयरमैन नैब को जवाबदेह न बनाए तो ये ज्यादती होगी। मॉडल टाउन लाहौर में मुस्लिम लीग नून का इजलास, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज की शिरकत, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज रशीद, राना सनाउल्ला, मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी भी शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के हवाले से तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। कोरोना वैक्सीन से इस्तेस्ना कैसे मिल गया? कोरोना वैक्सीन के मुखालिफ सर्बिया के आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलिया में दाखिला ममनू। एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। जोकोविच ने डिपोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर चैलेंज कर दिया। उनके वकला समाज के मुंतजर जोकोविच को मेलबर्न एयरपोर्ट पर हुकाम ने 8 घंटे हिरासत में रखा।
जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पहुंचे थे। सर्बिया के सदर ऑस्ट्रेलवी हुकाम के रवैये पर बरस पड़े। जोकोविच को इंसाफ दिलाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का भी दो टोक मौकफ, कहा उसूलों से कोई बालातर नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने जोकोविच को तिब्बी छूट दी थी। गुज़श्ता रोज जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने और तिब्बी इस्तिस्ना की तस्दीक करते हुए एयरपोर्ट पर सामान के साथ अपनी तस्वीर भी पोस्ट की थी। नोवाक जोकोविच की ऑस्ट्रेलिया से बेदखली के बाद सोशल मीडिया पर मनचलों के निशाने पर मीम्स बनने का सिलसिला शुरू हो गया। सारिफीन का नंबर वन टेनिस स्टार पर तंज। हाई कोर्ट बिजनेस नहीं कर सकती, अगर हम अप्लाई करें तो क्या एनओसी जारी कर देंगे, क्या आप आईन और कानून के ताबे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्ला का सीडीए की जानिब से पेश नुमाइंदों से सवाल, कहा ऐसी दरख्वास्त आने पर आपका पहला एतराज ही ये होना चाहिए कि दरख्वास्त जेरे गौर ही नहीं लाई जा सकती। क्या जोन 4 में 1993 में तामीरात हो सकती थी। सीडीए ने बताया कि उस वक्त वहाँ फार्म हाउसेस की इजाज़त थी। नेवी सेलिंग क्लब और अब तक सरबमोहर है। नेवल फार्म्स और नेवी सेलिंग क्लब के दरख्वास्त के खिलाफ फैसला महफूज कल सुनाया जाएगा। कराची और लाहौर में शहरी गैस न होने पर लकड़ियां जलाने पर मजबूर। कराची में शहरियों का कहना है कि महंगाई में एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीद सकते। लकड़ी पर खाना तो पक जाता है लेकिन आंखें, हाथ और घर का खाना खराब हो जाता है। कम आमदनी वाले अफराद तो लकड़ी भी सूखे दरख्तों से खुद काटने पर मजबूर। लाहौर में भी लकड़ी बेचने वालों की दुकानों पर रश। शहरी कहते हैं महंगी एलपीजी नहीं खरीद सकते तो लकड़ी जलाकर गुजारा कर रहे हैं। तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि कराची में गैस का शॉर्टफॉल 257 MMCFD का है। घरेलू सारिफिन का गैस प्रेशर बहुत धीमा है। ये गर्म में ले जाए कि बस ये पाइप लगता है और लकड़ी डाल के कमरे को भी गर्म करता है और अभी अच्छा है। गैस तो नहीं है, गैस सब कुछ लगा हुआ है, बिल आ जाता है, गैस प्रेशर वेशर कुछ भी नहीं है। कोचा में शहरियों ने गैस के चूल्हों का मुतबादल ढूंढ लिया। गैस प्रेशर में कमी के बायस हाथ से तैयार किए जाने वाले चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गैस ना होने की वजह से ये चूल्हे खरीद रहे हैं जो लकड़ियों से जलते हैं। इस पर खाना भी पक सकता है और इसे बतौर हीटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कल तक कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 8 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की तवक्को। लाहौर में भी बारिश, मौसम खुशगवार, साथ ही फजाई आलूगी में भी कमी आ गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। पेशावर में 2 रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बलूचिस्तान बारिशों के नुकसान से संभला नहीं कि बारिशों का नया सिलसिला आ गया। खुजदार, नौशकी में बारिश, चमन में गहरे बादल, गवादर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी अब तक जमा। निकासी आब का अमल सुस्त रवि का शिकार। बाजारों और गलियों में दुकानें, कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे तीसरे रोज भी बंद। गवादर पसनी को आफत ज़दा करार दे दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज और नेवी के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मसरूफ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज और कल मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफियत और डिजिटलाइजेशन से कौम का पैसा बचाने पर वज़ीर मवासलात और NHA को मुबारकबाद। एक बयान में कहा, 4 रोया सड़क की लागत में नून लीग के मुकाबले में 138% कमी, आमदन में 125% इजाफा हुआ। 5.18 अरब रुपये मालियत की अराजी तजावजात से पाक की गई। ये कारनामे आलमी सतह पर महंगाई और निरखों में इजाफे के बावजूद सर अंजाम दिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान झूठी तकरीरों और ट्वीट्स के बजाय इस्तीफ़ा दें। कौम को बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस की तलाशी में वो चोर साबित हुए हैं। झूठी ट्वीट्स करके न सड़कें बनती हैं और ना ही फॉरेन फंडिंग का डाका छुपता है। बताएं 7 साल इलेक्शन कमीशन से क्यों मफरूर रहे।
इमरान साहब, आपने सड़क बनाई कौन सी है जिसे सस्ती बताकर नया झूठ बोल रहे हैं? मुल्क में खाद की कमी पूरी करने के लिए खाद बैरूने मुल्क से मंगवाई जाएगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने चीन से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आर्मी मंडी में बहुत ज्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। स्वात, मरी, काला अंपारा, चिनार में बर्फबारी से हसीन नजारे, सयाहों के पैसे वसूल, खून जमाती सर्दी में तफरी का मजा दुबाला हो गया। मरी में पाइपलाइंस में पानी जम गया, राबता सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज, मुख्तलिफ मकामात पर 2 दिन से सयाहों की गाड़ियाँ सड़कों पर फंसी हैं। मरी में बर्फबारी मजीद 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान, अस्तूर में 4 दिन से जारी बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हो गए। कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -9, गोपस -7, ज्यारत -6, स्कर्दू -4, कल्लात -3, अस्तौर -2, मरी -1, इस्लामाबाद 8, लाहौर 10, कराची 15, कोयटा 1 और लेह में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सिंध असम्बली के बाहर बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। कल से सिंध भर में एहतजाज का ऐलान, धरने में स्कूल्स के तलबा की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का कहना है बल्दियाती हुकूमत को कोई एक इख्तियार मुंतकिल नहीं किया गया, मसले के हल के लिए मुजाकरात चाहते हैं, गोली चलाने और किसी को गाली देने नहीं आए, बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज धरने में लियारी की बॉक्सिंग टीम ने भी शिरकत की। हाफिज नईम ने शुरका के साथ क्रिकेट भी खेली। जमात इस्लामी MQM का खला पुर करने की कोशिश कर रही है, वही बैनर्स लगा रही है जो MQM लगाया करती थी। सिंध के वजीर इत्तला सईद गनी की तनकीद, कहा मेयर के इख्तियारात में कमी का तासुर गलत है, जमात इस्लामी से इस तरह के इकदाम की उम्मीद नहीं थी, बेहतरी की गुंजाइश हर कानून में होती है, अपना मौकफ पेश करने की सही जगह असम्बली है, फिलहाल मुजाहरीन पर ताकत के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध में हालात अब काबू से बाहर हैं, सिंध की तरफ ध्यान न दिया तो ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। सिंध भर में तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, पीपल्स पार्टी और बिलावल सिंध को अपनी रियासत बनाकर बैठे हैं, कोई ऐसी जमात नहीं जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करे, अब पीपल्स पार्टी सिंध में अपना इलेक्शन कमीशन बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नसला टावर गिराने का काम जारी, 15 मंजिला टावर की 7 मंजिलें गिरा दी गई। नसला टावर की 4 मंजिलों पर पार्किंग और 11 पर रिहायशी फ्लैट थे, 11 में से 7 रिहायशी मंजिलें गिराई जा चुकी, बालाई मंजिल पर मशीनरी लगाकर इमारत को गिराने का काम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का डेरा इस्माइल खान टांक और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, 3 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए, शहीद होने वालों में सिपाही फरीदुल्ला और सिपाही शोएब हसन शामिल। 1 दहशतगर्द ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने हथियार डाल दिए, दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। खुदकुश हमलावर को पकड़कर सैकड़ों साथी तालिबे इल्मों की ज़िंदगी बचाई, शहीद एतजाज़ हसन को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। हुकूमत ने स्कूल, स्पोर्ट्स स्टेडियम और डिग्री कॉलेज एतजाज़ हसन के नाम पर तामीर करने के वादे किए जो आज तक वफा ना हो सके। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान बरतानिया के साथ 2 तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है, ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में बरतानिया में मुकीम 16 लाख पाकिस्तानियों का किरदार अहम है। बरतानवी हाई कमिश्नर की पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग में भरपूर तावुन की यकीन दहानी।
कोरोना ने अमेरिका में पंजे गाड़ लिए, मजीद 7 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट, 1800 से ज्यादा अमवात। अमेरिका में 12 से 17 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की तीसरी डोज देने की मंजूरी। न्यूयॉर्क में तालिब इल्म को वैक्सीन लगाने पर टीचर गिरफ्तार, स्कूल टीचर ने 17 साल के तालिब इल्म को अपने घर में बिला इजाजत वैक्सीन लगाई थी। बरतानिया में कोरोना मरीजों की तादाद 2 लाख के करीब पहुँच गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनने और लोगों को घर से काम जारी रखने की हिदायत। अतालवी हुकूमत का 50 साल से जायद उम्र वालों की लाजमी वैक्सीनेशन का फैसला। पीसीबी अवार्ड की तकरीब आज सजेगी। शाहीन शाह अफरीदी सबसे ज्यादा, 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड के लिए नामजद। हसन अली और मोहम्मद रिजवान 3-3, बाबर आजम, हारिस रऊफ और फवाद आलम को 2-2 कैटेगरीज में शॉर्टलिस्ट किया गया। PSL की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से उनके नन्हे फैन की मुलाकात। नन्हे मद्दाह ने फास्ट बॉलर के साथ उनके विकेट लेने के अंदाज में जश्न मनाया, कैप भी गिर गई। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने शिमाली इलाका जात की ठिठरती सर्दी में क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा, शिमाली इलाका जात की ठिठरती सर्दी और क्रिकेट का जुनून उन्हें बहुत पसंद आ रहा है। और अदाकारा महविश हयात को सालगिरह मुबारक। महविश हयात को सदारती अवार्ड भी मिल चुका है।